हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने चंडीगढ़ में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि 10 मार्च को अकाली विधायकों और उनके साथियों ने हरियाणा विधानसभा के बाहर मुख्यमंत्री के ऊपर हमला करने का प्रयास किया है। इस दौरान नारेबाजी व काले झंडे भी दिखाए गए हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन दूसरे की अभिव्यक्ति के भी कुछ अधिकार है, क्योंकि अकाली विधायकों द्वारा सीएम मनोहर लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐसा किया गया है, जिसको लेकर हमारे मार्शल और सिक्योरिटी इंचार्ज ने एक शिकायत चंडीगढ़ पुलिस को दी थी। आज इस मामले में 9 विधायकों व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। देखिए, 10 मार्च को जिस प्रकार से कुछ अकाली विधायकों ने और उनके साथियों ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर जाकर के मुख्यमंत्री जी के ऊपर हमला करने का प्रयास किया, नारेबाजी की, काले झंडे दिखाए। हमने कहा कि लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, हर व्यक्ति को अपना विरोध करने का अधिकार है, लेकिन दूसरे के भी व्यक्ति के भी कुछ अधिकार हैं, कुछ उनकी प्रिविलेजेस हैं। जिस प्रकार से ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग के अंदर जाकर के हमला करने का प्रयास किया, डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, और विधानसभा परिसर के अंदर, जो हरियाणा विधानसभा का परिसर है, वहां जाकर के जिस प्रकार से उन्होंने किया, उसके बारे में हमारे जो मार्शल हैं, जो हमारे सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, उन्होंने एक कंप्लेंट जो संबंधित थाना है, पुलिस स्टेशन है, उसके अंदर दी थी। और आज मुझे जो जानकारी मिली है, वहाँ पर एफआईआर लॉज हो गई है 9 विधायकों के खिलाफ, और उसके अलावा जो अन्य लोग थे उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। और ये जो 4 धाराएं लगाई गई हैं उनके अंदर, उसमें आईपीसी 1860, 186, 323, 341 एंड 511, ये 4 धाराओं के अंदर केस दर्ज किया गया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। नहीं, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के ऊपर हमला करने का प्रयास किया, जिस प्रकार से ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग के अंदर डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया, जिस प्रकार से वहाँ पर जो विधानसभा का, हरियाणा विधानसभा परिसर है, उसमें जाकर के किया, मैं समझता हूँ कि जो हमारे विधायक हैं, हमारे जो मंत्री हैं, उनके प्रिविलेज को उन्होंने इन्फ्रिंज किया है। जहाँ तक उनका हुआ होगा, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। नहीं, देखिए, अभी एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है, उसकी रिपोर्ट मुझे लगता है कि कल तक आ जाएगी। उस रिपोर्ट आने के बाद आगे की जो कार्रवाई है, उसके अंदर हमने ये कहा है कमेटी को कि इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो, उसके लिए क्या एसओपी हम ले सकते हैं, क्या एसओपी अपना सकते हैं, उसके बारे में वो रिपोर्ट करे, ताकि इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो। नहीं, देखिए, ब्लॉक नहीं, उनको चेक जरूर करेंगे, क्योंकि ऐसे लगभग 7 पॉइंट हैं, जिन 7 पॉइंट्स के जरिए पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से पंजाब, कोई भी आदमी, कोई भी कर्मचारी, अधिकारी, कोई भी वहाँ पर आने वाला आगंतुक जो आकर के वहाँ पर दूसरे परिसर में जा सकता है, उसके ऊपर हम चेक पॉइंट जरूर बनाएंगे, ताकि पता रहे कि कौन व्यक्ति, कोई बाहर से विजिटर आया, क्या वो दूसरी विधानसभा का विजिटर है, हमारे उसमें तो नहीं आया, या अधिकारी आया, तो उस प्रकार की व्यवस्था। मेरा सिर्फ मानना ये है कि जिस प्रकार की घटना हुई है, वह दोबारा ना हो, उसके लिए चेक पॉइंट्स हम जरूर बनाएंगे। सर, एक रिपोर्ट आने की, उसमें इतला किया गया। रिपोर्ट के लिए कल शाम तक रिपोर्ट आने की। देखिए, रिपोर्ट आने के पश्चात हूसोएवर विल बी रिस्पॉन्सिबल, एक्शन विल बी टेकन। हाँ, वो विधेयक जो है वो पेश हो गया है, कल डिस्कशन होगा उसके अंदर, वो कल पास हो जाएगा। नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि जो एक इसके अंदर एक जो बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, एक प्रयास हुआ है सोची समझी चाल के तहत, वो आपसी भाईचारे को तोड़ने का प्रयास हुआ है। जो सौहार्द पिछले 50 साल से बना हुआ था, उस सौहार्द को ख़त्म करने का प्रयास किया है,
और मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।